आओ ध्यान दें सुपर हीरो दर्शकों, आज हम जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग सीक्वल के बड़े खुलासे पर बातचीत करेंगे। उस फिल्म में होने वाले मुख्य विलेन के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसी फिल्म जिसमें जस्टिस लीग सुपर हीरोज को एवेंजर्स एंड गेम की तरह मिलकर काम करना होता, जहां पृथ्वी की तबाही होने का सामना करना पड़ता है और सुपरमैन दुष्ट एंटी लाइफ इक्वेशन का शिकार हो जाते हैं। स्नाइडर ने इस फिल्म के लिए कई रहस्यमयी खिलवाड़ी चुने थे, न केवल डार्क साइड या लेक्स लूथर ही। डीसी के स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट जे ओलिविया ने हाल ही में बताया कि जैक स्नाइडर की योजना में एक फ्लैश पॉइंट फिल्म थी जो जस्टिस लीग के बाद की कहानी रखती। इस फिल्म में फ्लैश मूवीज का महत्वपूर्ण रोल था, जिसमें बड़ा दुश्मन योबार्ड थॉर्न, जिसे प्रोफेसर जूम या रिवर्स फ्लैश कहते हैं, सामने आने वाले थे। जूम एक मास्टरमाइंड था जो भविष्य से आकर बैरी एलन के साथ खेलने का प्लान बनाया था। उसने जस्टिस लीग को अपने हाथों में करने के लिए साजिश रची। वह फ्लैश मूवीज में छिपे रहते, लेकिन उसका प्रभाव जस्टिस लीग पर पड़ता था। फिल्म का ग्रैंड फिनाले था, जहां स्नाइडर ने यूनिवर्स को रीबूट करने की योजना बनाई थी और एक नए कास्ट का परिचय कराया था। इससे दोस्त दुश्मन बन जाते और नए यूनिवर्स में होते। बहुत खूबसूरत विचार थे, लेकिन यह नहीं हुआ। हमें इसे देखने का मौका क्यों नहीं मिला, बहुत ही दुख है। कमेंट्स में अपनी राय दें, हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सुपर हीरोज की दुनिया से जुड़े रहें। अगली बार तक सुपर रहें।